नमस्कार दोस्तों, क्लिक हाउ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स, ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे क्विज और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स जो 15 से 21 जनवरी 2021 तक है। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्लिक हाउ को ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। वैसे सबको पता होगा भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ओके। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाएगा? 15 जनवरी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्यों मनाया जाता है। तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। देखो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, पर किसके सम्मान में? के एम करियप्पा, ओके, फील्ड मार्शल है के एम करियप्पा के सम्मान में, क्योंकि करियप्पा जो है भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। तो ये भी एक जीके क्वेश्चन हो गया, पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो के एम करियप्पा, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 में सर फ्रांसिस बूचर, जो भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, जिससे प्रभाव लिया था। देखो यहाँ पे भी एक दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे? वो थे फ्रांसिस बूचर, ओके। फ्रांसिस बूचर जो थे भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, जिसने 15 जनवरी 1949 को अपना पद छोड़ा और केम करियप्पा नए कमांडर इन चीफ बन गए 15 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित किस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ओके। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित गुलाम मुस्तफा खान, ओके, एक शास्त्रीय गायक है जिसका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। गुलाम मुस्तफा खान वो मशहूर शास्त्रीय गायक है और संगीतकार है, गुलाम मुस्तफा खान, जिसका 17 जनवरी 2021 को निधन हो गया और वो 89 साल के थे, और जिसको भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अगर मैं आपको बता दूं तो भारत सरकार में पद्म जो अवार्ड दिया जाता है, पद्म अवार्ड, और वो पद्म जो अवार्ड है उसमें सबसे पहला अवार्ड है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है पद्मश्री, ओके, आपको क्रम याद रखना है। संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले एवं सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वैन रेनू, ओके, फुटबॉलर है वैन रूनी, ने खेल से संन्यास ले लिया है, ओके, तो वो है इंग्लैंड के, ओके, तो इंग्लैंड कंट्री के है वैन रूनी। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर है वैन रूनी, ओके, इंग्लैंड के लिए वो याद रखना है वैन रूनी, और उसने संन्यास ले लिया है। तो रूनी जो है 2019 से डर्बी काउंटी फुटबॉल क्लब के सहायक कोच भी थे, ओके, तो सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर है, पर सिर्फ इंग्लैंड के लिए, सिर्फ इंग्लैंड के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गोल करने वाला तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वो आपको याद रखना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तो ये सिर्फ जो है, ओके, रोनाल्डो फुटबॉलर वैन रेनू है, क्या है? वैन रूनी, ओके, तो वैन रूनी जो है इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला और सबसे ज्यादा गोल करने वाला फुटबॉलर है। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी में निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है? तो कितना किया है? 20%, ओके, 20% जो है हिस्सेदारी, ओके, खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया है। किसके साथ? अदानी एनर्जी के साथ। तो फ्रांस के तेल एवं ऊर्जा कारोबार में जो लगे समूह टोटल ने भारत के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है, और अडानी ग्रीन एनर्जी अडानी समूह की ही यही कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? ओके,
तो वो चुना गया है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर का नया अध्यक्ष चुना गया है। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में आया है, ओके गुजरात में है, वो ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। और पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी, और उसके साथ 6 लोग इसके ट्रस्टी है। देखो, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी सोमनाथ मंदिर जो है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष है। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता केशुभाई पटेल भी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आई ए एस योजना का उद्घाटन किया है, तो वो है केरल से। ओके, तो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आई ए एस योजना का उद्घाटन किया, और ये वैदिक इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है, जिसमें केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हो गए ऐसे बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग देने का योजना शुरुआत की है। ओके, तो एक अच्छी बात है, केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, यानी कि जो अगर आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये योजना शुरू की है, वन स्कूल वन आईएएस। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो वो की है पराक्रम दिवस के रूप में, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। तो केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसकी 125वीं जयंती, देखो 125वीं जन्म जयंती है, इसलिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। और अब हर साल 23 जनवरी को, देखो आपको याद रखना है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखो सबसे पहले 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है 23 जनवरी को। और कितने नंबर की जयंती है, 125वीं, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। ओके, यानी कि फिलिस्तीन जो है वो 14 साल के बाद, कितने साल के बाद, 14 साल के बाद अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करेगा। तो फिलिस्तीन 14 वर्षों के लंबे समय के बाद वर्ष 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने जा रहा है। और ये जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास, ओके फिलिस्तीन के राष्ट्रपति है मोहम्मद अब्बास, उसके द्वारा 15 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित एक डिग्री के अनुसार इस वर्ष देश में टोटल 3 चुनाव होंगे, जिसमें संसदीय चुनाव भी शामिल है, राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव भी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, तो वो है मॉस्को, ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। मॉस्को जो है वो रशिया में आया है और टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार उसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक था, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर था मॉस्को जो रशिया में आया है। ओके, 2020 में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा, और इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई थी। तो दूसरा नंबर मुंबई का, पहला नंबर मॉस्को जो है रशिया। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने 57 देशों में 416 शहरों में ये अध्ययन किया, और इसके अलावा शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय शहर यानी कि बेंगलुरु भी है, नई दिल्ली भी शामिल है, यानी कि बेंगलुरु का 6 नंबर का क्रम है और नई दिल्ली का 8वें नंबर का क्रम है। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है, तो गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति को लागू करने की घोषणा की, पर्यटन नीति।
तो गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है और यह जो नीति है वो 31 मार्च 2025 तक ये लागू रहेगी और यह नीति पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओके यानी कि कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा देगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? ओके, तो भारत सरकार ने पुर्तगाल में, कहां पे? पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है और भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया और विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के 1994 बैच के अधिकारी है मनीष चौहान और इससे पहले मंत्रालय में संयुक्त के पद पर भी कार्यरत थे ओके मनीष चौहान। नेक्स्ट है, फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है? ओके, तो वो है 11%। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021 और 2022 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में 11% विस्तार का अनुमान जताया है। तो फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-2022 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में 11% विस्तार का अनुमान जताया और जबकि अगर हम लोग चालू वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच अगर हम लोग देखें तो उसमें 9.4% गिरावट का अनुमान लगाया गया है, 9.4% गिरावट होगी और नेक्स्ट ईयर में 11% का विस्तार होगा आर्थिक वृद्धि दर में। नेक्स्ट है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम कर लिया? तो वो है सौरभ चौधरी। ओके, तो सौरभ चौधरी एक निशानेबाज है जिसने 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो भारतीय निशानेबाज है सौरभ चौधरी जिसने राष्ट्रीय निशानेबाज ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम कर लिया और सौरभ ने फाइनल्स में 246.9 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया। नेक्स्ट है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TPC ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ओके, तो वो किया है संदीप अग्रवाल को। ओके, तो संदीप अग्रवाल जो है वो नए अध्यक्ष बन गए हैं TPC के। ओके, तो TPC यानी कि दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद ने संदीप अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त कर लिया है और TPC की बात करें तो स्वतंत्र निकाय है, TPC जो है एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के किस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो है दुष्यंत दवे। तो दुष्यंत दवे जो है उसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और SCBA एक भारतीय बार एसोसिएशन है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पेशेवर जो वकील होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। किसमें? SCBA। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ITC के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो हस्ताक्षर किया जापान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। ओके, भारत और जापान के बीच में ओके ITC में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो भारत और जापान ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ITC के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत सरकार का दूरसंचार विभाग और जापान सरकार का संचार मंत्रालय 5G से जुड़े प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग जो है वो बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ओके, तो वो है कमलम फ्रूट बन गया है, कमलम फ्रूट।
तो गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रख दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला किया है। वैसे भी गुजरात में जो भाजपा की ऑफिस है ओके उसका नाम भी कमलम है और ड्रैगन फ्रूट का नाम भी बदलकर कमलम रखा गया है और ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट भी कहा जाता है और ये देखने में बहुत आकर्षक होता है और कैक्टस प्रजाति के पौधों में यह फल उगता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने के लिए लोग इसे खाते हैं, इसलिए ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख दिया है। नेक्स्ट है, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 लाख ओके कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार की है। उपहार यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है, भेंट दिया गया, फ्री में दिया गया है ओके वो दिया गया है भूटान, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा सही रहेगा। कितना, 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का डोज भारत की तरफ से इसको फ्री में दिया गया, किसको, भूटान को भेंट दिया गया। तो भारत ने सबसे पहले भूटान को 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं ओके। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैक्सीन डिप्लोमेसी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, वैक्सीन डिप्लोमेसी, यानी कि हम लोग अभी फ्री में देंगे, फिर दूसरा जो डोज अगर उसको चाहिए तो उसमें हमें पैसे भी मिलेंगे। साथ ही में तीन पड़ोसी देशों म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को भारत ने उपहार के तौर पर कोरोना वैक्सीन भेजी है, तो ये भी आपको याद रखना, ये भी उपहार के तौर पर भेजी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम यानी कि 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन चुका है। अगर विकेटकीपर की बात करें तो अभी कौन है, ऋषभ पंत है। कौन है, ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत जो है अभी विकेटकीपर है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही रहेगा ओके। तो 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन चुका है। तो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन चुका है और पंत ने यह आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ और जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। कितने, 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे धोनी ने। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री जिसका नाम है माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया ओके। तो वो राज्यपाल थे अरुणाचल प्रदेश के ओके। तो माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री भी थे माता प्रसाद, जिसका निधन हो गया। और राजनीति में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श मानने वाले माता प्रसाद जिले के साहगंज सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 1974 तक 5 बार विधायक रहे हैं ओके। वो याद रखना कि माता प्रसाद जो है 5 बार विधायक रहे, कब से, 1957 यानी कि आजादी के 10 साल के बाद से 1974 तक। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएगी, तो वो बन जाएगी भावना कांत, क्योंकि ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर, तो पहली महिला फाइटर कौन है, वैसे भी भावना कांत ओके, तो वो बन जाने वाली है। तो भारतीय वायुसेना की पहली फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी 2021 को इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि भावना कांत जो है गणतंत्र दिवस परेड यानी कि रिपब्लिक डे 2021 में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेगी और इसमें हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर प्लेन भी शामिल होने वाले हैं। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है ओके। तो वो किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बेल को ओके, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल को ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो भारत
हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को उत्कृष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रदान किया गया है। BHEL को पिछली बार वर्ष 1981-1982 में ICAI द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया था, यानी कि अभी बहुत टाइम लगा कि उसको दूसरा जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो मिलने में, क्योंकि पहला जो मिला था वो मिला था 1981-82 में, और अभी जो दूसरा मिला वो है 2019 से 2020 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बीकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दाग दिए? तो वो कोई नहीं, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 760 गोल डाल दिए हैं और जोसेफ बीकान जो पहले नंबर पे थे उसको दूसरे नंबर पे डाल दिया है। तो 20 जनवरी को जुवेंट्स और नापोली के बीच खेले गए सुपर कप में फाइनल मैच में रोनाल्डो ने एक गोल दागा जो उनके करियर का 760वां गोल था, और इस तरह उन्होंने जोसेफ बीकान को पीछे छोड़ दिया और फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जोसेफ बीकान की बात करें तो उसने 759 गोल किए हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो वो दे दी है 850 मेगावाट। ओके, 850 मेगावाट केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। तो केंद्रीय कैबिनेट ने 20 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और इसे नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से संयुक्त रूप से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? ओके, तो चौथा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? भारत को। ओके, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दिया जाता है, यानी सैन्य ताकत के हिसाब से भारत का जो रैंक है वो कौन सा बन गया है? चौथे नंबर का। तो पहला कौन सा है? तो पहला है अमेरिका। तो 904 अटैक हेलीकॉप्टर और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अमेरिका जो है सबसे पहले है। अभी हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के बारे में। गूगल ने सुरक्षा चिंताओं के बीच किस देश में पर्सनल लोन एप्लीकेशन को हटा दिया है? तो वो हटा दिया है भारत में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि सैकड़ों पर्सनल लोन एप्लीकेशन की समीक्षा हुई और यहाँ पे यूजर्स जो है वो शिकायत कर रहे थे, सरकारी एजेंसियों द्वारा भी शिकायत हो रही थी, इसलिए गूगल ने बहुत सारी एप्लीकेशन की समीक्षा की और गूगल ने उन एप्स को हटा दिया जो उपयोगकर्ता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन कर रही थी। नेक्स्ट है, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक है राम सेवक शर्मा। तो राम सेवक शर्मा जो है UIDAI उसके पहले महानिदेशक थे, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक है राम सेवक शर्मा, जिसने ये बुक लिखी है द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। और ये जो पुस्तक है जिसमें आधार प्रणाली के कानूनी, शासन और सामाजिक पहलुओं के बारे में तकनीकी विवरण भी शामिल है। नेक्स्ट है, किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। ओके, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री है जिसको हिंदी साहित्यकार गिल्ड कनाडा द्वारा हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया की उपस्थिति में प्रदान किया गया। कहां पे किया गया? कनाडा, यानी कि कनाडा में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 2021 में। ओके, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है और केंद्रीय रक्षा मंत्री है नितिन गडकरी, जिसने 18 जनवरी
2021 को पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया और इस अभियान में सड़क सुरक्षा और भारत में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास भी यहां पे किया गया है। किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 दिनों तक बढ़ाई है? तो वो बढ़ाई है उत्तराखंड ने। किसने बताया? उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अनुसार राज्य के बेरोजगारों की नौकरी के अवसरों की खोज करने में मदद करने के लिए उत्तराखंड आजीविका ऐप भी लॉन्च की जाएगी। ओके, नास्कॉम ने एक इनोवेशन फैक्ट्री लॉन्च करने के लिए किस राज्य के एआई मिशन के साथ भागीदारी की है? तो वो की है तेलंगाना। ओके, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि नास्कॉम ने एक इनोवेशन फैक्ट्री शुरू करने के लिए तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन यानी TAIM के साथ क्या किया है? सहयोग किया है। नेक्स्ट है, किस सूचीबद्ध बड़ी कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए ICSI राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है? तो वो जीत लिया है IETC ने। तो IETC लिमिटेड को लिस्टेड सेगमेंट लार्ज कैटेगरी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए 20वें इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट गवर्न्ड कंपनी का खिताब जीत लिया है। बेस्ट गवर्न्ड कंपनी का खिताब जीत लिया है ITC लिमिटेड ने। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा? तो वो किया जाएगा केरल राज्य में। तो केरल में हाउसबोट टूरिज्म हब यानी कि अल्लापुजा में भारत का पहला लेबर मूवमेंट संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा। और ये जो संग्रहालय है जो विश्व श्रम आंदोलन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों और केरल के जो श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है, भद्रावती रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF जो इकाई है जो हाल में खबरों में था किस राज्य की पहली ऐसी इकाई है? तो वह कर्नाटक की। ओके, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक राज्य में शिवमोगा जिले के भद्रावती में रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF की एक इकाई की स्थापना की। ओके, और RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष शाखा होती है। ओके, तो वो पहली इकाई कौन से राज्य की है? कर्नाटक की। नेक्स्ट है, DRDO के संदर्भ में रक्षिता क्या है जो हाल ही में खबरों में था? रक्षिता यानी कि एक बाइक आधारित एम्बुलेंस होता है जिसने किसने बनाया? DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस द्वारा रक्षिता नाम की एक बाइक आधारित एम्बुलेंस विकसित की गई है और यह संकरी आबादी वाली गलियों और दुर्गम स्थानों में रहने वालों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम भी है। किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है? तो वो किया है नीति आयोग ने। ओके, तो नीति आयोग एक को हम लोग थिंक टैंक भी बोल सकते हैं। ओके, तो भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग जिसने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार के लिए उनके समर्थन के आधार पर उन्हें रैंक करता है। और उस सूचकांक का पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया था और कर्नाटक ने इस वर्ष के सूचकांक में भी पहला स्थान बरकरार रखा है। 2019 में जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है उसमें भी कर्नाटक जो है वो फर्स्ट नंबर पे है और अभी भी कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे है और महाराष्ट्र जो है वो दूसरे स्थान पर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।